नमस्कार, डीजी न्यूज के बातचीत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री लक्ष्मण सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मण सिंह जी हमारे स्टूडियो। धन्यवाद प्रकाश जी, नमस्कार। आप 5 बार के सांसद हैं, 2 बार के विधायक हैं जी। मंत्री नहीं बने कभी, मलाल है कोई? नहीं, कोई मलाल। 5 बार सांसद बन गए साहब, 2 बार विधायक बन गए, यही कम है क्या? किसने सोचा था? हाँ। हमने तो कभी कल्पना नहीं की थी। ये तो जनता का प्यार है, आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा है। क्या आपको कभी इसका बुरा लगता है कि लोग आपको लक्ष्मण सिंह के बजाय दिग्विजय सिंह के भाई के रूप में जानते हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं बुरा लगता। मुझे गर्व है कि मैं दिग्विजय सिंह जी का छोटा भाई हूँ, और उसमें बुरा लगने का कोई सवाल नहीं। तो दोनों भाइयों की कुट्टी हो गई थी जो आप बीजेपी? कुट्टी उट्टी नहीं हुई थी, अपना अपना निर्णय होता है। मैंने एक निर्णय लिया था, मुझे लगा कि गलत निर्णय है, तो फिर मैं लौट के वापस आ गया। लौट के वापस कांग्रेस? 4 बार आप कांग्रेस से सांसद रहे जी। हाँ। उन 4 बार बड़े छोटे टर्म रहे आपके जी। 5वीं बार आप पूरे 5 साल तक सांसद रहे जी, लेकिन तब सरकार अटल जी की रही जी, मतलब वहां भी मंत्री बनने का मौका नहीं था। क्या इस सबसे आपके इलाके में आपकी सेवा प्रभावित हुई? नहीं नहीं, देखिए मंत्री बन की सेवा होती है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, और राजनीतिक ही सेवा करता है मैं इसको भी नहीं मानता हूँ। सेवा भावी लोग मुझसे बहुत बड़े बड़े पड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझसे कई ज़्यादा सेवा भाव से काम किया है, कर रहे हैं। तो ये तो एक भावना है, और इस भावना से हम सभी काम करते आए हैं, करते रहेंगे। लोग कहते हैं कि राघोगढ़ के असली राजा आप, कोई खास बात है इसके पीछे? जनता राजा है साहब, हम लोग कहाँ राजा है। जनता राजा है और जनता का राज है, हमेशा रहेगा। जो जनता का आदेश होता है वो सर्वमान्य होता है। कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाने का फैसला कैसे लिया? ये मैं बता चुका हूँ पहले भी कई बार मीडिया में, सब जगह, और अब मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, क्षमा करें। अब जहाँ है वर्तमान में और भविष्य जो आने वाला है उसी की चर्चा करें। तो कांग्रेस में आपका खूब स्वागत हुआ जी। हाँ, मुझे बहुत बहुत प्रेम और बहुत स्नेह कार्यकर्ताओं ने दिया कांग्रेस में, कांग्रेस के नेताओं ने, और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। राजनीति में आप आए, कोई और चीज आपके दिमाग में थी, बिजनेस की या कारोबार की या खेती की? खेती तो हमारा एक, हम तो सबसे पहले तो हम लोग किसान हैं। राजा तो महाराजा तो कोई होता नहीं आजकल, ये सब पुरानी बातें हैं, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। पर चूंकि हमारे हमारे खेतीबाड़ी शुरू से रही है तो उसमें रुचि तो बहुत है, और आज भी मैं अपने खेत पर निरंतर जाता हूँ। पर जनता ने मुझे इतना स्नेह दिया, आग्रह किया, और बड़े भाई साहब का आदेश हुआ, मार्गदर्शन उनका रहा, मैं राजनीति में आ गया। आम तौर पर तो राजा महाराजा गले में सोने साथ सोने के हार, हीरे के हार पहनते हैं, आप सूत की माला लगाए हुए हैं, तो इसके पीछे कोई खास नीति, खास भावना? ये बहुत पुराने जमाने में कभी पहनते होंगे साहब, आजकल तो ऐसा कुछ। मैं तो मैंने आपके माला तो सूत की माला तो नहीं पहनते आज के जमाने में। सूत की माला तो ये कांग्रेस का एक प्रतीक है, और बरसों से हम लोग पहनते हैं। उसमें क्या, इंदौर से आप, इंदौर में आपकी पैदाइश है, इंदौर में आपने पढ़ाई लिखाई की, तो इंदौर आपका दूसरा घर है ये कह सकते हैं। क्या इंदौर आपको ठीक दिशा में जाता शहर लग रहा है? इंदौर का विकास ठीक हो? देखिए, इंदौर में मैं पैदा हुआ हूँ, मैंने स्कूल की शिक्षा इंदौर में ग्रहण की है, और बहुत सारे अच्छे मित्र हमारे इंदौर में हैं, पहचानने वाले हैं। मुझे ये लगता है कि यहाँ पर्यावरण का थोड़ा कम ध्यान दिया गया है, थोड़ा पार्क एरिया, ग्रीन एरिया जरा कम है जी। और एक कुछ हैफेजर्ड ग्रोथ तो हुई है, एक प्लान्ड तरीके से जैसा इंदौर को बढ़ना चाहिए था, कुछ तो विकास तो हुआ है, पर जिस तरह एक कल्पना इंदौर की हम करते थे वो नहीं हुआ है। और पहले एक बार बात चली थी, मुझे याद है, कि ट्विन सिटी बनाने का, और इंदौर को एक देवास की तरफ ले जाना या जिस तरफ भी ले जाना है, तो ये सारी प्लानिंग जो है ये बहुत आवश्यक है। और
मैं तो ये मानता हूँ कि नेता लोग जितना कम दखल देंगे इस मामले में इंदौर शहर के लिए, और इंदौर शहर को हम प्लानर्स पे छोड़ दें और यहाँ के लोगों पे छोड़ दें, तो मैं समझता हूँ इंदौर अभी भी एक बहुत अच्छा सुंदर प्लान शहर बन सकता है। इतनी दुनिया आपने घूमी है, सांसद के नाते भी, व्यक्तिगत भी, और तमाम काम आपने किए हैं, तो उसमें मध्य प्रदेश कहीं टिकता है? लगता है मध्य प्रदेश का कोई भविष्य? हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी खेती की ग्रोथ 18% रही है, हमने बहुत तरक्की की है, लेकिन लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि खेती की ग्रोथ के आंकड़े फर्जी हैं, क्योंकि जिस गेहूं की खरीदी को आंकड़ा का आंकड़ा दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो तो यूपी और महाराष्ट्र और गुजरात से खरीदा गया गेहूं। चलिए एक बात अपन ये करते हैं कि चलो मान लेते हैं कि 18% ग्रोथ हुई, चलिए मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, लेकिन ये ग्रोथ क्यों हुई है? ये ग्रोथ यहाँ के किसानों की वजह से हुई है, ये कोई मुख्यमंत्री या सरकार नहीं करती, ये किसान की मेहनत है। मध्य प्रदेश के धन्य किसान जिसने आज 18-15% जो भी ग्रोथ हुई वो करके दिखाई है। अभी कृषि कर्मण अवार्ड मिला है जी। तो मैं अपेक्षा कर रहा था कि मुख्यमंत्री के बजाय, स्वयं के बजाय, अगर किसी उन्नत किसान को भेजते ये अवार्ड लेने कि साहब ये जो कृषि का उत्पादन बढ़ा है ये इस किसान की वजह से बढ़ा है, मेरी वजह से नहीं बढ़ा है, मुख्यमंत्री को कहना था। पर वो हर जगह मुख्यमंत्री, कृषि कर्मण अवार्ड तो मुख्यमंत्री, हर जगह मुख्यमंत्री। ये जो एक ओवर पब्लिसिटी हो रही है ये कहीं ना कहीं इसमें ये एक डेमोक्रेसी में अच्छी बात नहीं है। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री ने अब तक 7,500 घोषणाएं की है, प्रतिदिन 3 घोषणाएं करते हैं वो औसत कि मैं ये कर दूंगा आज, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। और उनका ये कहना कि इंदौर मेरे सपनों का शहर, आप कल्पना कर सकते हैं कि सपनों का शहर अगर इंदौर है तो और जगह की क्या हाल होगा? मुझे तो इतना ही कहना है कि ज्यादा समय नहीं है, अब तो कुछ महीने बचे हैं चुनाव में, जो घोषणा है जो भी करना है जल्दी कर कर आ लें, लेकिन संभव नहीं है इतने 7,500 घोषणाएं पूरी करना, मैं समझता हूँ संभव नहीं है। उतना बजट भी नहीं है शायद सरकार के, बजट भी नहीं है, और इस तरह घोषणा करनी भी नहीं चाहिए जब हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में नहीं कहना चाहिए। कांग्रेस का क्या हाल है बताइए, कांग्रेस कैसा कर रही है मध्य प्रदेश में? क्या कांग्रेस भूरिया जी के लीडरशिप पर चुनाव लड़ेगी? क्या कांग्रेस को लगता है कि सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी? देखिए कांग्रेस 10 साल से विपक्ष में है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस को आज नुकसान जैसी कहीं कोई स्थिति नहीं है, इससे ज्यादा क्या नुकसान होगा कांग्रेस को, तो जो भी होगा कांग्रेस को गेन ही होगा, कांग्रेस को फायदा ही होगा। जहां तक भूरिया जी का सवाल है, वो खुद 8 बार सांसद चुने गए हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, प्रदेश में मंत्री रहे हैं, तो एक अनुभवी व्यक्ति है, ऐसा नहीं है, और वो ही PCC प्रेसिडेंट है, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, और अजय सिंह जी हमारे विपक्ष के नेता हैं, इन दोनों के लीडरशिप में लड़ेंगे और अच्छे नतीजे आएंगे, और हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं आज भी, और सरकार बनाएंगे आगे चल। सिंधिया जी का नाम बीच बीच में आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अध्यक्ष बनेंगे या उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, क्या ऐसी संभावना है? देखिए ये जयपुर अधिवेशन में तय हो गया है कि इसकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, और मैं समझता हूँ इसमें कोई परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। ज्योतिरादित्य जी का जहाँ तक सवाल है, उनको एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है, पावर मिनिस्ट्री है जी। और देश में ऐसे कई राज्य जहाँ पावर क्राइसिस बहुत बड़ी है, तो मैं समझता हूँ उनको जो जवाबदारी दी गई है वो कहीं ज़्यादा है, तो इतनी बड़ी जवाबदारी को छोड़ के वो यहाँ आएंगे मैं नहीं समझता हूँ वो ऐसा करेंगे, करना तो नहीं चाहिए। जिस तरह की राजनीतिक छीटाकसी होती है, अभी BJP के एक महामंत्री ने कहा, प्रदेश के महामंत्री ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में भी पप्पू फेल हो जाए, कांग्रेस का पप्पू फेल हो जाए। किसने? अरविंद मैने ने कहा है राहुल गांधी जी के बारे में कि पप्पू पास नहीं होगा, पप्पू यहाँ फिर फेल होगा। तो क्या लगता है कि इस तरह की टिप्पणियां करना शोभा देता नेता? इस तरह की टिप्पणियां जो करते हैं उन्हीं को नुकसान होता है, और इस तरह की टिप्पणी जो की है अरविंद मैनन जी ने, इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान होना है, और राहुल गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये टिप्पणियां होती रहती हैं, रोज होती हैं, एक टिप्पणी और हो गई उसमें क्या फर्क पड़ना है, और इन बातों पे कोई ध्यान हम लोग देते नहीं। आप अपनी राजनीति में अपने भाई साहब से कितना मार्गदर्शन लेते हैं, उनसे राय मशविरा लेते हैं रोज? जी हाँ, मैं उनके साथ संघर्ष किया है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, और मेरे अग्रज हैं, हमेशा सम्मान उनके लिए करता रहूंगा। अब विधानसभा चुनाव में आपके भतीजे आ रहे हैं,
वो टिकट लेंगे या आप टिकट लेंगे? देखिए ऐसा है, ये युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का समय है, युवा पीढ़ी को अवसर देने का निर्णय पार्टी ले चुकी है और क्षेत्रीय जनता की भी यही मांग है कि युवाओं को अवसर दिया जाए। निश्चित रूप से जो मेरा भतीजा है वही चुनाव लड़ेगा, ऐसा अभी तक हम लोग मान, मतलब आप उनके सामने अपने भतीजे के सामने नहीं नहीं सवाल ही नहीं उठता है। आप उनको आगे, मेरा भतीजा मेरे पुत्र से भी छोटा है, उसकी उम्र छोटी है जी, तो वो सवाल ही नहीं उठता। तो फिर आपके लिए कहाँ जगह बसती राजनीति? मैं कार्यकर्ता की हैसियत से आया हूँ, पार्टी ने मुझे आदेश दिया है कि मैं घूम घूम कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करूँ और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करूँ, उनका हौसला बढ़ाऊँ और ये काम मैं कर रहा हूँ। कांग्रेसियों के हौसले कई जगह पस्त दिखते हैं प्रदेश में, वो दम घुटा नहीं दिखता। कारण ये है कि गाँव में ये बात देखने में है कि लोग बीजेपी के प्रति ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई साहब प्रकाश जी, क्या है कि अंडर करंट्स हैं जी। आपने कहा ना पस्त है, मैं नहीं मानता हूँ ऐसा, क्योंकि आप देखिए अभी सम्मेलन जो हुए हैं कांग्रेस के, विदिशा में सम्मेलन हुआ, आप देखिए 50,000 लोग आए और विदिशा जिले का नेतृत्व कौन करता है? सुषमा जी वहां से सांसद हैं, शिवराज जी चार बार वहां से सांसद रहे। विदिशा जिले को बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लक्ष्मीकांत जी जिनके पास 6 विभाग हैं 8 विभाग हैं वो विदिशा जिले से हैं, विधायक सिरोन से हैं। इन सब के होते हुए आज कांग्रेस के सम्मेलन में अगर 50,000 लोग उमड़ के आते हैं, उनको हमने कोई व्यवस्था नहीं की थी लाने के लिए, उमड़ के लोग आए और बहुत शॉर्ट नोटिस पे, तो ये एक संकेत है। और इन सम्मेलनों में आप देखिए, कल हमारा पन्ना जिले में था, वहाँ बहुत बड़ी सभा हुई। 9 मार्च को हम ग्वालियर चंबल संभाग में करने वाले हैं मुरैना में, और वहाँ भी हम करीब 75,000-1,00,000 लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये लोग बिना किसी बसों के, बिना व्यवस्था के आ रहे हैं? सब अपने साधनों से आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर रही और इसमें सब अपने साधनों से आ रहे हैं, सब अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं और सब सबका उत्साह बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं निचले स्तर पे या शासकीय स्तर पे कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, लोग असंतुष्ट हैं। अगर संतुष्ट होते तो क्यों आते कांग्रेस की सभा में? नहीं आते। क्या राजनीति से विचारधारा गायब हो गई है आजकल? जिस तरह लोग बातें करते हैं कि बीजेपी के अंदर कई बीजेपी, कांग्रेस के भीतर कई कांग्रेस, कहीं दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस है, कहीं कमलनाथ जी की कांग्रेस है, कहीं भूरिया जी की कांग्रेस है, कहीं सिंधिया जी की कांग्रेस। देखिए ऐसा नहीं है, पार्टियां तो एक ही है, जैसे बीजेपी है तो बीजेपी है, कांग्रेस है तो कांग्रेस है। कार्यकर्ता जो है उसकी लॉयल्टीज कहीं कहीं हो जाती हैं, जैसे कोई किसी से जुड़ा, उनने उनकी मदद की तो वो उनसे जुड़ गया। अब देखिए समुद्र में कई नदी नाले आके मिलते हैं, पर इकट्ठे तो सब समुद्र में होते हैं, जल तो एक संग्रह, जल संग्रह तो समुद्र में होता है। तो पार्टियां एक बहुत बड़ा और एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक बहुत बड़ा दल हो पार्टियां, ये कांग्रेस और भाजपा दोनों एक राष्ट्रीय दल हैं, बहुत बड़े दल हैं और इंडिविजुअल लॉयल्टीज होती हैं। लेकिन जब चुनाव आता है, चुनाव के समय में या कोई भी मुसीबत के समय में, सब पार्टियों के सब कार्यकर्ता नेता सब एक होकर लड़ते हैं। लोग कहते हैं कि कांग्रेस जो है लीडर बेस्ड पार्टी है, बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है, तो लीडर बेस्ड पार्टी आगे आएगी या कार्डर बेस्ड? देखिए ऐसा लीडर आप मुझे बता दीजिए जिसके पास कार्डर ना हो। बिना कार्डर के कोई लीडर नहीं बनता, बिना कार्डर के कोई पार्टी नहीं चल सकती। कांग्रेस भी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस ने अभी आप देखिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है, सेवा दल का बनाया है, NSUI का बनाया है, यूथ कांग्रेस का बनाया है और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे जगह जगह शुरू होने वाले हैं और चलते रहे, अभी तक चलते रहे, अभी और चलाएंगे। तो कार्डर बेस्ड पार्टी है कांग्रेस। राहुल जी क्या ऐसा कोई वाकई जान आई है या दिखता मीडिया ने? नहीं देखिए इसमें परिवर्तन आएगा और आया है और युवाओं में बड़ी उम्मीद जागी है कि एक युवा हमारा लीडर बना है, तो युवाओं के लिए बहुत कुछ करेंगे और निश्चित रूप से अवसर मिलेगा तो क्यों नहीं करेंगे। मीडिया में कुछ विभाग ने जयपुर में राहुल गांधी जी के भाषण को 10 में से 10 नंबर तक दिए, लेकिन वही मीडिया आप कहता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, तो क्या लगता है क्या इस तरह की नरेंद्र मोदी जी आ पाएंगे? देखिए मीडिया कह रहा है, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी क्यों नहीं कह रही?
नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है वो तो नहीं कह रही कि नरेंद्र मोदी हमारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, वो डिक्लेयर करें, वो नहीं कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी स्वयं भी कह रहे हैं कि नहीं, मैं पीएम कैंडिडेट नहीं हूं। जब नरेंद्र मोदी दिल्ली में राजनीति करते थे तब आप भी दिल्ली में राजनीति करते थे? यानी मैं तो बहुत एक छोटा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस पार्टी का। और देखिए गुजरात वैसे भी डेवलप था, गुजरात एक बहुत डेवलप स्टेट है, गुजरातीज ने अपना व्यापार पूरी दुनिया में फैलाया है, ये उनकी एंटरप्राइज है। इसमें मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया, ऐसा किया होगा, अच्छा विकास किया होगा, लेकिन मोदी जी कोई गुजरात के निर्माता ऐसा तो नहीं है। आज बहुत सारे क्षेत्र में जो सिंचाई की क्रेडिट मोदी जी लेते हैं कि हमने यहाँ पानी लाया, सूखा ये रेगिस्तान में पानी लाया, ये पानी आया तो बांध बना कहाँ? मध्य प्रदेश में बना। जमीन हमारी डूबी, गांव हमारे डूबे, हमारे लोग बेघर हुए, डेवलपमेंट हुआ, लेकिन इस चीज को क्यों नहीं कहते हैं? क्या आपकी भावना उन लोगों के प्रति नहीं है जिनके घर डूबे हैं, आदिवासियों के प्रति जिनके मकान डूबे हैं, जमीन डूबी है, उनके प्रति आपकी भावना क्यों नहीं है? उनके लिए आपने क्यों नहीं सोचा? उनके लिए आपने क्या किया है? जब आप एक इतने बड़े लीडर हैं, इतने बड़े इतना डेवलप्ड स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, तो थोड़ा उनके लिए भी सोचते जिनकी जमीनें गई हैं और जिनके घर डूबे हैं, उनके लिए कभी आप इतने सौम्य व्यक्ति हैं तो राजनीति में कैसे कामयाब हो गया? वहां तो उठा पटक, मार पीट, एक दूसरे की टांग खींचना, पीठ में खंजर भोंकना, ये सब तो करेंगे नहीं? नहीं, पर मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, सबको दोस्त मानता हूँ। जबकि आप देखिए बीजेपी के अंदर भी, कांग्रेस के अंदर भी एक दूसरे के पीछे गुटबाजी, एक नए मंत्री के पीछे दूसरा मंत्री, दूसरे मंत्री के पीछे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के पीछे तीसरा मंत्री। गुटबाजी मैं नहीं कहूंगा, इसमें वैचारिक मतभेद होते हैं साहब, और वैचारिक मतभेद डेमोक्रेसी में होना चाहिए। बीजेपी के अंदर ही क्या क्या मतभेद, वैचारिक मतभेद होते हैं, उनमें भी होते हैं वैचारिक मतभेद होते हैं, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म पार्टी होती है जहां सब अपने मतभेद भुला के इकट्ठे होते हैं और चर्चा करते हैं। चर्चा करने से ही मतभेद दूर होते हैं, अगर चर्चा नहीं करेंगे तो मतभेद दूर नहीं होते। आप क्रिकेट के बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, सांसदों की टीम में भी रहे हैं, क्या क्रिकेट क्रिकेट खेलना जारी है आपका? जी हाँ, क्रिकेट में अभी भी खेलता हूँ जब भी मौका मिलता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जब भी मैं दौरा करता हूँ, कहीं मैच वैच हो रहा होता है, क्रिकेट हो रहा होता है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, गाड़ी बंद करके अपने घुस जाते हैं फील्ड में। अच्छा। हाँ, और क्रिकेट शुरू से खेल रहे हैं, डेली कॉलेज में बहुत क्रिकेट खेले हैं, मैं डेली कॉलेज का कैप्टन था, फिर मैं अपने कॉलेज के लिए खेलता था दिल्ली में सेंट स्टीफंस में, और वहाँ यूनिवर्सिटी में खेला, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और पार्लियामेंट टीम में, पार्लियामेंट में गया तो वहाँ की टीम में खेले, मतलब स्कूल से लेकर पार्लियामेंट तक आपने क्रिकेट खेला। जी हाँ, क्रिकेट मेरा एक बहुत बहुत शौक रहा क्रिकेट का शुरू से। और इसके अलावा आप क्या शौक करवाते हैं? जी संगीत, म्यूजिक, और किताब पढ़ना, और पर्यावरण, नेचर, बायोडाइवर्सिटी, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, इसके क्षेत्र में मैं काफ़ी रुचि रखता हूँ, और एक पुस्तक भी मैं लिख रहा हूँ एनवायरमेंटल मैटर्स पे। अच्छा। बहुत जल्दी उसको कंप्लीट करूँगा। क्या विषय है पुस्तक का, एनवायरमेंट पे? ये हिस्से को आपने छुआ, ये पर्यावरण संबंधी जो चैलेंजेस आज सारी दुनिया के सामने हैं, उसमें हम कितने खरे उतर रहे हैं जी, और जितने ये कॉन्फ्रेंसेज होती हैं पर्यावरण को लेके सारी दुनिया में, जो 2002 में जोहान्सबर्ग में समिट हुई, उसमें ये विषय था क्लाइमेट चेंज, तो ये जो कॉन्फ्रेंस होती है उसका नीचे स्तर पे क्या असर है, क्या वो हमारे गांव तक पहुंची है, क्या वो हमारे शहर तक पहुंची है, इन सारी बातों को लेकर मैंने एक पुस्तक लिखने का निर्णय लिया। अभी क्या पढ़ रहे हैं आप, कोई किताब? मुख्यतः मैं इन सब विषयों में ही पढ़ता हूँ, पर एक अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ एक किताब है, मिरेकल्स डू हैपन, चमत्कार होते घटते हैं। हाँ, मिरेकल्स डू हैपन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, और उसको पढ़ रहा हूँ। आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बातचीत की, अपने विचार शेयर किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश जी, धन्यवाद। कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह जी से ये थी हमारी बातचीत। आप हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीजी न्यूज़। नमस्कार।